ये देखिए बिस्किट बनकर के तैयार है और कितना अच्छा कलर आया है। और ये देखिए कितने आसानी से ये टूट गया है। ऐसे ही बिस्किट हम बनाएंगे आज, तो चलिए शुरू करते हैं। ये बिस्किट बहुत ही आसानी से हम घर पे बना सकते हैं, तो इससे रिलेटेड मैं इसकी टिप्स जो आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक कर दें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय किचन। आज मैं आपके साथ आटे के बहुत ही आसान तरीके से बनने वाले बिस्किट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये बेकरी स्टाइल बिस्किट है, लेकिन इसमें हम ना तो अमोनिया यूज करेंगे और ना ही बेकिंग सोडा। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। बिस्किट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप आटा, 1/2 कप पाउडर शुगर, और इसी में मैंने 1/2 टीस्पून मैंने इसमें इलायची पाउडर मिक्स कर दिया है, 1/2 कप बटर, ये रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, और 1/4 कप मैंने यहाँ पे मिल्क लिया है जो हम जरूरत के अनुसार डालेंगे, 3/4 टीस्पून हम लेंगे बेकिंग पाउडर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चीनी और ये जो बटर है इसे हम मिक्स करेंगे और इसे एकदम फ्लफी बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने पाउडर शुगर डाली है और अब डालेंगे ये बटर, और इसे हम तब तक मिक्स करेंगे जब तक ये एकदम ब्राइट और फ्लफी ना हो जाए। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए बटर, तो इसे हम मिक्स करेंगे। इसे हम इलेक्ट्रिक बीटर से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं हाथ से मिक्स करके दिखाऊंगी आपको। बेकरी में इसी तरीके से मिक्स किया जाता है। तो इसे मिक्स करेंगे हम 4 से 5 मिनट तक, जब तक कि एकदम क्रीमी ना हो जाए और फ्लफी ना हो जाए। फ्रेंड्स, ये आटे के बिस्किट खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं, बच्चे तो इसे बहुत ही पसंद करते हैं। तो चाहे सफर में ले जाएं, चाहे इसे आप घर पे बनाएं, चाय के नाश्ते के साथ नाश्ते में ये बिस्किट बहुत अच्छे लगते हैं। तो चीनी को हमें अच्छे से मेल्ट करना है, इसमें मैंने इलायची पाउडर भी मिक्स कर दिया था। तो फ्रेंड्स, ये देखिए एकदम क्रीमी हो चुका है और इसका कलर भी व्हाइट हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर, तो 3/4 टीस्पून हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर। अब इसमें हम डालेंगे आटा। अब डालेंगे हम इसमें आटा, तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके आटा मिलाएंगे, एक साथ नहीं डालेंगे, और इसका एक सॉफ्ट डो बनाएंगे बिस्किट बनाने के लिए। तो अब हम मिलाएंगे इसमें मिल्क, तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें मिल्क डालेंगे और इसका एक सॉफ्ट डो बनाएंगे। बिल्कुल भी ड्राई नहीं रखना है हमें डो को, और बिल्कुल टाइट भी नहीं करना है, नहीं तो बिस्किट टूट जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसमें दूध डाला है और ये डो बनकर के तैयार हो गया है। इस आटे को हम 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे, तब तक हम ओवन को प्रीहीट करने के लिए स्टार्ट कर देते हैं। तो ओवन को मैंने 30 मिनट पर सेट किया है और इसे हम 180 डिग्री पर 15 मिनट के लिए प्रीहीट करेंगे। रेस्ट हो गया आटा, तो जब तक हम बिस्किट बनाते हैं तब तक हमारा ओवन प्रीहीट हो जाएगा। तो ओवन को मैंने प्रीहीट होने के लिए स्टार्ट कर दिया है। बिस्किट बनाने के लिए मैंने ये चकली मेकर लिया है, इससे हम बनाएंगे बिस्किट। तो आटे का हम एक पोर्शन लेंगे इस तरीके से, तो ये शेप की जाली मैंने ली है यहाँ पे, इस शेप की जाली लेंगे हम और इसे हम बंद कर देंगे।
तो फ्रेंड्स अब हम बनाएंगे तो मैंने सारे बिस्किट बना करके तैयार कर लिए हैं। अब हम इन्हें ओवन में रखेंगे 15 मिनट के लिए 180 डिग्री पर और 10 मिनट के बाद हम एक बार बिस्किट को चेक करेंगे। फ्रेंड्स ओवन प्रीहीट हो चुका है और मैंने बिस्किट इसमें रख दिए हैं। इसे हम 15 से 20 मिनट तक 180 डिग्री पर बेक करेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं। वाओ, ये बिस्किट बनकर के तैयार हैं। ये देखिए कितने अच्छे बिस्किट बनकर के तैयार हुए हैं और कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है इनका। ये देखिए मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ, बहुत ही जल्दी से आसानी से टूट गया है ये। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही और रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स ये बिस्किट बनाना बहुत ही आसान है, ये खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, लेकिन इन्हें बनाते हुए हमें थोड़ी बातों का ध्यान रखना है। बिस्किट बनाने के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आप मेजरमेंट करके ही लें कि हम जो भी डो लगाएंगे वो हमें बिल्कुल टाइट नहीं लगाना है, ड्राई नहीं रखना है। और ओवन को प्रीहीट करने के तुरंत बाद ही हम बिस्किट को ओवन में रख देंगे। ऐसा नहीं हो कि ओवन प्रीहीट हो चुका है और हम थोड़ी देर बाद बिस्किट रखें तो बिस्किट अच्छे नहीं बनेंगे।